Hi kids, welcome to your English class and I am your teacher and mentor Ananya and I am back with a new chapter of your English series that is Literary Journeys and English Reader by Brain Root Publications. So far we have completed 10 chapters and today we are about to start chapter number 11 which has the title Henry a Chameleon. बच्चों चैमेलियन देखा है आपने कभी? चैमेलियन का मतलब होता है गिरगिट. ऑलराइट, इट्स अ काइंड ऑफ इंसेक्ट दैट चेंजेस इट्स कलर, जो अपना रंग बदलता है. ऑलराइट, इट कैन अडैप्ट इट्स बॉडी कलर एज पर द एटमोसफेयर अराउंड इट. सो लेट्स स्टडी अबाउट हेनरी. बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर लेट्स डू द वार्मिंग अप एक्सरसाइज. This amusing story captures our imagination. It tells of a chameleon wandering around in vegetable basket at Mrs. Ghosh, staring at first but eventually leading to comical and light-hearted moment. So, Mrs. Ghosh was having a basket and the chameleon is in that basket. So, initially, the story begins with some comical tunes and tones. All right. कुछ हंसी मजाक को लेके स्टार्ट होता है कहानी और स्लोली एंड ग्रेजुअली क्या क्या चीज़ें एनकाउंटर करती हैं मिसेस घोष वही हम पढ़ेंगे. लुक एट दीज पिक्चर, व्हाट इज़ कॉमन टू ऑल ऑफ देम. कैन यू सी दीज पिक्चर्स, व्हाट इज़ कॉमन इन ऑल दीज पिक्चर्स. एवरी पिक्चर हैज़ वन थिंग कॉमन, दैट इज़ ऑल द पिक्चर्स द पीपल आर स्माइलिंग. Either they are laughing or they are smiling and they are happy, right? See, the child is laughing, these people in the gathering are laughing, the elders here are laughing, the children here laughing, the ladies in the farm are laughing, the babies are laughing, so everybody is happy. So when was the last time that you had a heart full of love? Hai na, kab aap bahut khul ke hase the? All right, kya hota hai? हमारी लाइफ में एवरीडे बेसिस पे इतना बिजी रहते हैं हम लोग कि कई बार हम वो छोटे छोटे जो पल हैं उनको जीना ही भूल जाते हैं. हम ठीक से हंसना भी भूल जाते हैं कई बार, राइट? सो इट इज़ नेसेसरी कि हम अपने एवरीडे लाइफ में भी हंसी को, खुश रहने को भी उतना ही इम्पोर्टेंस दें. ऑलराइट, फन फैक्ट्स, लेट्स स्टडी सम फन फैक्ट्स. World Laughter Day is celebrated on first Sunday of May every year. The first celebration was held in Mumbai on 11 January 1998. So World Laughter Day every year is celebrated on the first Sunday of May. यानी मई महीने का जो पहला संडे होता है उस दिन हम World Laughter Day celebrate करते हैं. The study of humor and laughter is called gelotology. ये जो हंसने को और मजाक की स्टडी को अगर कोई सीरियसली करता है तो उसको हम जेलेटोलॉजी बोलते हैं. लाफ्टर इज सेड टू इम्प्रूव अलर्टनेस, क्रिएटिविटी एंड मेमोरी. यानी जो लोग ज़्यादा खुश रहते हैं, हंसते रहते हैं, यानी खुश मिजाज रहते हैं, वो काफ़ी क्रिएटिव होते हैं, काफ़ी अलर्ट होते हैं और साथ ही में उनकी मेमोरी भी बहुत ज़्यादा शार्प होती है. ऑल राइट, so let's get started with the chapter. This is the story of Henry, our pet chameleon. So Mrs. Ghosh says that this chapter is about the story of Henry. और कौन है Henry? Henry उनका pet chameleon है, यानी पालतू गिरगिट है. Chameleons are in a class by themselves and are no ordinary reptiles. They are easily distinguished from their nearest relatives, the lizards, by certain outstanding features. अब मिसेस घोष का कहना है कि चैमेलियंस जो है, यानी गिरगिट जो हैं, वो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा भिन्न तरह के क्रिएचर्स हैं. उनकी जो फैमिली है, यानी लिजर्ड फैमिली, रेप्टाइल फैमिली, उनसे हम उन्हें ईजीली अलग कर सकते हैं या उनको ईजीली सेपरेट कर सकते हैं. ठीक है, A chameleon's tongue is as long as its body. Its limbs are long and slender and its fingers and toes resemble a parrot's claws. तो मिसेस घोष का कहना है कि अगर हम गौर से एक छिपकली और एक गिरगिट को देखें तो हम इजीली उनमें फ़र्क कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि एक chameleon की जो tongue है, यानी जो जीभ है, वो ऑलमोस्ट उसकी बॉडी जितनी लंबी होती है.
उसके जो हाथ और पैर हैं वो पैरट के क्लॉ यानी पैरट के जो पंजे होते हैं उसके जैसे होते हैं, और उसकी जो बॉडी होती है वो काफ़ी पतली होती है, स्लीक होती है। ऑन इट्स हेड मे बी एनी ऑफ सेवरल ऑर्नमेंट्स, हेनरी हैड अ रिजिड क्रेस्ट दैट लुक्ड लाइक अ फायरमैन्स हेलमेट। और यूजुअली गिरगिट के हेड का जो शेप होता है वो अलग अलग तरह के ऑर्नामेंट्स जैसा होता है, यानी सर का जो ये वाला हिस्सा होता है ये काफ़ी उठा हुआ या अलग अलग शेप्स का होता है, और इससे क्या होता है कि हम उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं यानी अलग कर सकते हैं एक आम छिपकली से। क्लियर? जैसे हेनरी के सर पर एक थोड़ा सा फूला हुआ सा हिस्सा था, थोड़ा बल्जिंग हिस्सा था, जिसको मिसेस घोष एक हेलमेट से कंपेयर करती हैं। ठीक है, हेनरीज आईज वर हिज मोस्ट रिमार्केबल फीचर, दे वर नॉट ब्यूटिफुल बट हिज लेफ्ट आई वॉज क्वाइट इंडिपेंडेंट ऑफ हिज राइट, ही कुड मूव वन आई विदाउट डिस्टर्बिंग द अदर, ईच आई बॉल बल्जिंग आउट ऑफ हिज हेड वोबल्ड साइड टू साइड बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, दिस फ्रेंजीड मूवमेंट गेव हेनरी अ हॉरिबल स्क्विंट। जब नैरेटर उसकी आंखों का विवरण दे रही हैं तो वो कह रही हैं कि हेनरी की जो आंखें थी वो उसको और ज़्यादा दूसरों से अलग करती थी, उसकी आंखें काफ़ी बड़ी बड़ी थी और ऐसा लगता था जैसे आंखों के जो ये हमारे आई बॉल्स हैं वैसे ही हेनरी के आई बॉल्स काफ़ी ज़्यादा मोटे थे और ऐसे लगता था जैसे आँखों से बाहर आने को हैं, एंड स्पेशली वो अपनी इंडिविजुअल आईज़ को ईजिली मूव कर सकता था। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि दोनों ही आईज़ को मूव करना है, दोनों ही आई बॉल्स जो हैं इंडिविजुअली बहुत अच्छे से मूव करती थी, बैकवर्ड फॉरवर्ड एंड अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, एंड वन लुक इनटूज हेनरीज फ्राइटफुल ग्रेस वाज ऑफन एनफ टू स्क्वेयर पीपल इनटू बिलीविंग दैट चैमिलियंस आर डेंजरस एंड पॉइजनस रेप्टाइल्स। और ये जो लुक है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, एनिमेटेड पिक्चर हैज़ बीन प्रेजेंटेड, यहाँ आप देख सकते हैं कि हेनरीज की आईज़ और उसका पूरा बॉडी का अपीयरेंस ऐसा है। तो उनका कहना है कि अगर कोई, मेरे तो घर में हेनरी रहता था इसीलिए मुझे हेनरी के बिहेवियर के बारे में पता है, लेकिन अगर कोई अचानक आ जाए जिसे चैमिलियंस के बिहेवियर के बारे में पता नहीं है तो वो हेनरी की ये बड़ी बड़ी आंखें देख के अचानक से डर जाएगा और यही सोचेगा कि ये जो गिरगिट होते हैं ये काफ़ी ख़तरनाक और जहरीले क्रिएचर्स हैं। One day, grandfather was visiting a friend when he came upon a noisy scene at the garden gate. Men were shouting, hurling stones and brandishing sticks. The cause of the uproar was a chameleon that had been discovered sunning itself on a shrub. Someone claimed that the chameleon could poison people 20 feet away simply by spitting at them. So, ek din, dadaji, उनके घर के जो बुज़ुर्ग थे, दादाजी थे, वो बाहर जा रहे थे और अचानक वो रुक गए क्योंकि उनके गेट के पास, गार्डन के पास बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी और लोग जो है चिल्ला रहे थे, शोर मचा रहे थे। और जब दादाजी वहाँ पे गए और पूछताछ की कि क्या बात है, इतनी हलचल क्यों हुई है, इतना शोर क्यों है, तब सब ने बताया कि उन्होंने एक गिरगिट देखा है जो कि एक शर्ब के ऊपर रेस्ट कर रहा था, शर्ब यानी छोटे से पौधे के ऊपर रेस्ट कर रहा था। और ये सारे लोग आपस में डिस्कशन कर रहे थे कि अरे गिरगिट आ गया है, गिरगिट बहुत जहरीला होता है, ये तो अपनी थूक से लोगों में जहर स्प्रेड कर सकता है, ये बहुत ख़तरनाक है, इसे यहाँ से भगाओ, किसी तरह मार डालो, इस तरीके से। ग्रैंडफादर वाज जस्ट इन टाइम टू सेव द चैमिलियन फ्रॉम सर्टेन डेथ, ही ब्रॉट द लिटिल रेप्टाइल होम। अब ग्रैंडफादर, ही वॉज अ वेरी काइंड हार्टेड पर्सन, वो बहुत दयालु किस्म के थे, उन्होंने जब देखा कि इतने सारे लोग उस चैमिलियन को मारने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने इमीडिएटली उसको धीरे से उठाया और उसे अपने साथ घर के अंदर ले आए, और इस तरीके से उस दिन उस गिरगिट की जान बच गई। द चैमिलियन वॉज हेनरी एंड दैट वॉज हाउ ही केम टू लिव विद अस, और इस चैमिलियन का नाम हेनरी रखा गया और इस तरीके से वो हमारे परिवार का एक सदस्य बन गया, एक मेंबर बन गया। When I first visited Henry, he would treat me with great caution, sitting perfectly still on his perch with its back to me. The eye nearer to me would move around like the beam of a searchlight until it had me well in focus. When it would stop, the other eye would begin an independent survey of its own.
For a long time, Henry trusted no one and responded to my friendliest gestures with grave suspicion. अब हेनरी जब शुरू शुरू में आए, कोई भी क्रिएचर जब शुरू में किसी के मतलब उसका माहौल बदलता है या वो कहीं और जाता है तो यूजुअली वो थोड़ा डर जाता है, वो घबरा जाता है। हेनरी के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। हेनरी अचानक इतने लोगों को देख के घबरा गया, घर में सब उसको देखने आते, ठीक है ना, और वो किसी को नहीं जानता तो वो सबको शक की निगाहों से देखता, चुपचाप बहुत ही स्टिल पोजीशन में खड़ा होकर सबको घूरता रहता, ठीक है। Tiring of his wary attitude, I would tickle him gently in the ribs with my fingers. This always threw him into great rage. He would blow himself up into an enormous size as his lungs filled up with air while his color changed from green to red. He would sit up on his hind legs, swaying from side to side, hoping to unrob me. Opening his mouth very wide, he would let out an angry hiss, but the threatening display went no further. He did not bite. अब जो नारेटर थे वो कई बार क्या करते थे, हेनरी को कभी उनकी बॉडी पे टच करने की कोशिश करेंगे, कभी उनके रिब्स को टिकल करने की कोशिश करेंगे, और इस चीज़ से हेनरी बहुत इरिटेट हो जाता था। वो बिल्कुल गुस्से से अपना रंग चेंज कर लेता था, ग्रीन कलर से सीधे क्या कलर बदल लेता था, वो लाल रंग का हो जाता था। इट इमीडिएटली चेंज इट कलर एंड इट ऑल्सो ओपन इट माउथ, अपना बड़ा सा मुंह खोल के ऐसा दिखाने की कोशिश करता था जैसे उसे बहुत गुस्सा आ रहा है और वो भी काट लेगा जो भी उसके पास आएगा। लेकिन बस इतना ही, इससे ज़्यादा कभी भी हेनरी ने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया, उसने कभी भी किसी भी फैमिली मेम्बर को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। Henry was a harmless fellow. If I put my finger in his mouth, even during his wildest moment, he would simply wait for me to take it out again. I suppose he could bite. His rigid jaws carried a number of finely pointed teeth, were there for the sole purpose of chewing food, not fingers. So children, as I told you, कि Henry जो था वो बहुत ही harmless था। इवन अगर कभी कभी नैरेटर उसके मुंह के अंदर फिंगर डाल देते थे तो भी हेनरी उनको कभी भी बाइट नहीं करता था, कभी भी काटता नहीं था, बल्कि वेट करता था कि कब नैरेटर उसके मुंह में से अपनी उंगली को बाहर निकाल दे। ऐसा लगता था कि उसके जो छोटे छोटे पॉइंटेड दांत हैं वो सिर्फ खाना खाने के लिए है और ना कि उंगलियों को चबाने के लिए। हेनरी वॉज समटाइम्स विलिंग टू टेक फ्रूट फ्रॉम माई हैंड्स, दिस ही डिड वेरी स्विफ्टली। His tongue performed like a boomerang and always came back to him with the food, usually an insect attached to it. So, क्या करेगा हेनरी ने स्लोली एंड ग्रेजुअली क्या शुरू किया, नैरेटर के हाथ से खाना खाना शुरू किया। नैरेटर जैसे ही हाथ में खाना लेके हेनरी के पास जाते, हेनरी अपनी जीभ बाहर निकालता और जल्दी से खाने को मुँह में लेके, जैसे बूमरैंग वापस आता है ना, वैसे ही खाने को वापस अपने मुँह में ले लेता। Although Henry did not cause any trouble in our house, he did not create somewhat of riot in the nursery down the road. It started out quite innocently. When the papayas in our orchard were ripe, grandmother sent a basket full to her friend Mrs. Ghosh, who was the principal of a nursery school. While the basket sat waiting, so what happened basically, Henry वन डे डिड अ मिस्टीवियस थिंग, एक दिन उसको शैतानी सूझी। बहुत सारे पपीते यानी पपाया जो है उतारे गए गार्डन में से, और ग्रैंड मदर ने सोचा क्यों ना मैं कुछ पपीते अपनी दोस्त को भेज दूँ। तो दोस्त कौन थी, मिसेस घोष। मिसेस घोष एक नर्सरी स्कूल की प्रिंसिपल थी और उन्होंने बास्केट भर के पपीते जो है उनके यहाँ पर भिजवाए। हेनरी को उस दिन थोड़ी सी चालाकी सूझी तो वो क्या कर गया, वो उस बास्केट में जाकर छुप गया। हेनरी वेंट सर्चिंग फॉर बीटल्स एंड स्लिप्ड अमंग द पपायास अननोटिस्ड। मतलब हेनरी क्या कर रहा था, छोटे छोटे बीटल्स यानी इंसेक्ट्स ढूंढ रहा था, और ढूंढते वो कब पपायास के अंदर चला गया उसने भी ध्यान नहीं दिया। द गार्डनर ड्यूटीफुली कैरीड द बास्केट टू द स्कूल एंड लेफ्ट इट इन मिसेस घोष ऑफिस। अब जो माली था, गार्डनर था, उसने क्या किया, जैसा कि दादी की इंस्ट्रक्शंस थी, बास्केट उठाया और मिसेस घोष के ऑफिस में जाकर रखाया, ठीक है। व्हेन मिसेस घोष रिटर्न्ड आफ्टर मेकिंग हर राउंड्स, शी बिगैन एग्जामिनिंग एंड एडमायरिंग द पपायास।
एंड आउट पॉप्ड हेनरी। अब जब मिसेस घोष अपना राउंड लेके स्कूल में वापस आई अपने ऑफिस, उन्होंने टोकरी भर के पपायास देखे तो उन्होंने एक्साइटमेंट में उनको उठाया और देखने लगी, और जैसे ही उन्होंने देखना शुरू किया कौन आ गया, देखो यहाँ पे हेनरी आ गया, ठीक है। और उनकी हालत देख रहे हो, ऑफकोर्स वो तो बिल्कुल घबरा गई, ठीक है। मिसेस घोष स्क्रीम्ड, हेनरी स्क्विंटेड अप एट हर, बोथ आईज रिवॉल्विंग फ्यूरियसली। मिसेस घोष स्क्रीम्ड अगेन, हेनरीज कलर चेंज फ्रॉम ग्रीन टू येलो टू रेड, हिज माउथ ओपेंड एज दो ही वुड लाइक टू स्क्रीम। An assistant teacher rushed in, took one look at the chameleon and joined in the shrieking. Henry was terrified. He fled from the office, running down the corridor and into one of the classrooms. अब मिसेस घोष ने जब हेनरी को देखा और वो तो बिल्कुल गिरगिट को देख के डर गई, वो चिल्लाने लगी। उनकी चीख सुन के एक असिस्टेंट टीचर जो बाहर थी वो भी आई, वो भागते हुए आई कि प्रिंसिपल मैम क्यों चीख रही है। जब उन्होंने देखा कि वो हेनरी को देखा उन्होंने, मतलब गिरगिट है, वो भी चीखने लगी। अब हेनरी इन दोनों की चिल्लाने को देख के और इन लोगों का रिएक्शन देख के घबरा गया, वो बास्केट से कूदा और कहाँ गया, एक क्लासरूम में घुस गया। देयर ही क्लाइंबड अप ऑन अ डेस्क व्हाइल द चिल्ड्रन रैन इन ऑल डायरेक्शन, सम टू गेट अवे फ्रॉम हेनरी, सम टू कैच हिम। हेनरी फाइनली मेड एन एग्जिट थ्रू अ विंडो एंड डिसअपीयर्ड इन द गार्डन। सो अब क्लासरूम में वो एक डेस्क पे बैठा तो कुछ बच्चे तो डर के वहाँ से भाग गए, चारों तरफ क्लासरूम में अफरा तफरी मच गई और कुछ हेनरी को पकड़ने के लिए दौड़े। हेनरी किसी तरह बचते बचाते खिड़की से कूद के गार्डन के रास्ते से गार्डन में जा पहुँचा। ग्रैंडमदर हर्ड अबाउट द इंसिडेंट फ्रॉम मिसेस घोष बट डिडंट मेंशन दैट द चैमिलियन वॉज अवर्स, इट माइट हैव स्पॉइल्ड देयर फ्रेंडशिप। Grandfather and I didn't think Henry would find his way back to us because the school was 3 blocks away. तो Mrs. घोष ने जब दादी को फ़ोन करके सारी बातें बताई तो दादी तो घबरा गई, लेकिन फिर भी दादी ने ये नहीं बताया कि एक्चुअली वो गिरगिट उनका अपना पालतू गिरगिट था और उससे कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि फिर Mrs. घोष के साथ उनकी दोस्ती बिगड़ जाती। दादाजी और नैरेटर ने सोचा कि अब तो हेनरी रास्ता ही भटक गया है, इसका मतलब हेनरी कभी अब घर वापस नहीं आएगा, क्योंकि स्कूल जो है वो 3 blocks दूर था। बट अ फ्यू डेज लेटर आई फाउंड हिम सनिंग हिमसेल्फ ऑन द गार्डन वॉल। ऑल्दो ही लुक्ड नन द वर्स फॉर हिज एडवेंचर, ही नेवर वेंट अब्रॉड अगेन। हेनरी स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज डेज इन द गार्डन वेयर ही केप्ट द इंसेक्ट पॉपुलेशन वेल विद इन बाउंड्स। सो फाइनली हेनरी कहाँ पे रुका, हेनरी फाइनली गार्डन में ही रुक गया। फिर वो कभी भी इधर उधर घूमने जाने की कभी उसको इच्छा भी नहीं हुई और कभी उसने ऐसा शैतानी भी नहीं की, वो गार्डन में ही रहता और गार्डन में ही जो उसको इंसेक्ट्स मिलते उन्हीं को खाता, ठीक है। एंड द स्टोरी इज रिटन बाय द फेमस राइटर रस्किन बॉन्ड, ही इज अ वेरी वेरी फेमस राइटर, और उनके ग्रैंड फादर को शौक था एनिमल्स को पकड़ के कलेक्ट करके उनकी देखभाल करने का, मंकी, चैमिलियन, टाइगर एंड वॉट नॉट। उनका घर अपने आप में एक छोटा सा जू था, मतलब उन्हें इतना पसंद था उनके दादाजी को, वो इतने काइंड हार्टेड थे कि जहाँ भी उनको जो एनिमल मुसीबत में दिखता था वो उसे घर लेके आ जाते थे। नाउ सिंस वी हैव कम्प्लीटेड अ चैप्टर, लेट्स इमीजिएटली मूव टू द ग्लॉसरी सेक्शन, लेट्स रीड द वर्ड मीनिंग्स। ऑर्नामेंट्स, हेयर क्रेस्ट साइक लाइक ऑन द हेड ऑफ द पैराकीट्स एंड रूस्टर्स, जैसे तोते पैराकीट्स होते हैं ना उनके हेड पे छोटे छोटे बीड्स जैसे लगे होते हैं, सो हेनरी के सर पे भी था ना एनलार्ज्ड फॉर्म में ऑर्नामेंट, तो दैट इज़ वाई उसको हमने ऑर्नामेंट बोला है। फ्रेंसीड मीन्स हाइपर एक्टिव, समबडी हु इज़ वेरी एक्टिव। ब्रांडिशिंग मीन्स वेविंग एंड फ्लॉन्टिंग। Rising up in arms means giving protest, ठीक है, किसी चीज़ के बारे में protest करना। Wary means cautious। Boomerang means a tool which comes back when the person throws it, एक तरह का औजार होता है जिसको आप दूर फेंक के मारोगे तो वो वापस मुड़ के उतनी ही स्पीड से आपकी तरफ भी आएगा। Right means noise या confusion create करना, हलचल कर देना। Making her round means checking that everything is going smoothly or not, सब कुछ काम ठीक से चल रहा है या नहीं। Looked none the worse means seemed all right, सब कुछ ठीक है। Abroad means out of the
गार्डन। यहाँ पे गिरगिट के लिए अब्रॉड मतलब आउट ऑफ द गार्डन, गार्डन से बाहर जाना उसके लिए तो अलग जगह है ना। सो वी आर डन विद द वर्ड मीनिंग्स ऑल्सो, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एक्सरसाइजेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव MCQs, दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एंड हमने चैप्टर पढ़ लिया है तो चैप्टर के रीडिंग के बेसिस पे ही हम इन आंसर्स को एक एक करके सॉल्व करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट वन, व्हाट डू यू फाइंड मोस्ट अनयूजुअल अबाउट द स्टोरी? अ स्टोरी कैन रिवॉल्व अराउंड समथिंग एज इनसिग्निफिकेंट एज अ चैमेलियन। अ चैमेलियन हैज अ फाइनली पॉइंटेड टीथ। अ चैमेलियन कैन बी फाउंड इन अ गार्डन। अ चैमेलियन कैन स्केयर पीपल। सो द फर्स्ट आंसर इज करेक्ट, ए पार्ट इज करेक्ट। ऑल राइट, ओके, नेक्स्ट वन। सेकेंड, द रेजिडेंट्स ऑफ द एरिया हर्डल्ड स्टोन्स एट द चैमेलियन बिकॉज इट वॉज फाउंड सनिंग इटसेल्फ ऑन द शर्प। They thought it was poisonous reptile. Someone said that it could poison people by spitting from a distance of 20 feet. They thought that it could harm the children playing in the garden. So, this was the correct option. C, someone said that it can spread the poison. All right? Okay. Now, let's move to the next question. Third one, tiring of his very attitude, I would tickle him gently in the ribs. The writer is referring to the chameleon's habit of spitting at the people, stubbornness of not moving away from the garden, indifferent attitude of not responding to the writer's friendly approach, habit of changing color of the skin too often. C part is correct. Narrator उसके साथ interact करने की कोशिश करता था लेकिन chameleon बहुत ज़्यादा initial days में friendly नहीं था तो इसीलिए narrator उसको tickle करता था. Right? So C part is correct. Fourth one, the chameleon did not bite the writer because he knew that it was not the writer who had rescued him. He probably thought that his teeth were for chewing food only. He was fond of insects. The writer would move away as soon as the chameleon came close. So he probably thought that his teeth were only for chewing food. Clear? Now let's move further. Answer the questions with reference to the context. So there is a certain line taken from the chapter and then certain questions have been given. Hame wo lines padhni hai samajh ke hame un questions ke answer karne hai. So let's do it. First one, although Henry did not cause any trouble in the house, he did not create somewhat of riots in the nursery down the road. Who was Henry? Whose house was he brought into? Henry was a chameleon. He was brought into Ruskin Bond's house. Okay, the narrator's house basically. B. How was Henry brought in? One day, grandfather observed many people creating furs near the garden where they were trying to throw stones at a chameleon. All right. The grandfather was very kind, so he bought up the chameleon inside the house and named it Henry. C. What riot was created in the nursery when grandmother sent a basket full of papayas to her friend Mrs. Ghosh, who was a nursery school principal? Henry, by mistake, slipped into the papaya basket. And when Mrs. Ghosh came to her office and started checking the papayas, all of a sudden Henry popped out from the basket and Mrs. Ghosh started shrieking. Okay, Henry fled into one of the classrooms and the children in the nursery started running from one place to another. So this was the riot created in the nursery. Okay, now C part, write T for true and F for false for the following sentences. हमें देखना है कि इनमें से कौन से सेंटेंसेस सही हैं। जो सही हैं उनके आगे हम टी लिखेंगे फॉर ट्रू एंड जो गलत है उनके आगे हम फॉल्स लिखेंगे यानी एफ। लेट्स स्टार्ट। अ चैमेलियन्स टंग इज लॉन्गर देन इट्स बॉडी। यस, ट्रू। नाइटर्स ग्रैंडफादर बॉट अ चैमेलियन होम। यस, ट्रू। हेनरी वॉज अ हार्मलेस फेलो। ट्रू। मिसेस घोष वॉज एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ हेनरी। फॉल्स, वो तो डर गई थी, ये बिल्कुल गलत है, उनको बिल्कुल हेनरी पसंद नहीं था। मिसेस घोष डिडंट कम टू नो हेनरी वॉज बिलवड टू ग्रैंड मदर। ट्रू, बिकॉज ग्रैंड मदर ने बताया ही नहीं
कि हेनरी उनका अपना पेट है, ठीक है. सिक्स, हेनरी लिव्ड इन रस्किन्स गार्डन, दिस इज ट्रू. हेनरी रस्किन बॉन्ड के गार्डन में ही आकर रहने लगा था, राइट. सो दिस वॉज द एंड ऑफ द चैप्टर. वी हैव डिस्कस्ड ऑल द एक्सरसाइजेस चिल्ड्रन, एंड आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड एंड नोटेड डाउन ऑल द एक्सरसाइजेस. सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ टूडेज सेशन. आई विल मीट यू अगेन सून विद अ न्यू चैप्टर वेयर अगेन वी विल लर्न समथिंग इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग. सो बाय बाय एंड टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द न्यू वीडियो.